रहमान रहीम जी। फ्रेंड ये आज गुलबर्ग ग्रीन से ही हम इंटर हो रहे हैं OPF हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद के अंदर, और ये गुलबर्ग ग्रीन वाली साइड से जब आप इंटर होते हैं OPF हाउसिंग सोसाइटी इस्लामाबाद में, तो ये पहले OPF के विलाज वगैरह आ जाते हैं, फिर इसके ब्लॉक्स वगैरह दिखाएंगे, और इधर कितने कितने कनाल के प्लाट हैं, प्लाट के साइजेस वगैरह बताएंगे, और प्लाट्स की वैल्यू क्या है, कितने तक आप सेल कर सकती हैं वो आपको बताएंगे। तो ये अभी आपको जो आगे दिखाते हैं, आगे विलास वाला जो एरिया है, विलास का एरिया दिखाएंगे OPF के। ये राइट साइड पे इसके हम यहाँ से मुड़ेंगे, इसके DEFG ब्लॉक है, और लेफ्ट साइड पे AB और H ब्लॉक लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं। ए ब्लॉक के अंदर एक कनाल का प्लाट OPF में हमारे पास मौजूद है, इसे 1.2 कनाल इस साइज कहते हैं। ये 4400 स्क्वायर यार्ड का ये प्लाट है, स्क्वायर फीट 4400 स्क्वायर फीट का प्लाट है, और ये 70 लाख रुपीस फाइनल का ये मेरा है, और ये डी ब्लॉक में हमारे पास इधर 2 कनाल का प्लाट है, और ये 1,25,00,000 रुपए का डी ब्लॉक में 2 कनाल का प्लाट है। ये कमर्शियल एरिया OPF का राइट साइड पे कमर्शियल एरिया आपको जो आगे दिखाते हैं। चालीस सस्सी का तकरीबन प्लाट जो है ये आपको 51 लाख रुपीस प्लस माइनस में मिल जाता है। ये सोसाइटी अभी इतनी डिवेल्प नहीं है, इस यही वजह है कि गुलबर्ग रेजिडेंशिया से इसके रेट बहुत ज़्यादा कम है, इधर अभी डिवेलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा वक्त है, बहुत ज़्यादा को स्टार्ट में जो इसका रोड जापान रोड के ऊपर अभी हम एग्जिट होंगे ना, तो जापान रोड के करीब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन इसकी हुई है, एका दुका को हाउसेज वगैरह बने हुए हैं, तो उधर रेट तकरीबन 40-80 का ज़्यादा है, उधर जो ब्लॉक्स हैं उधर 40-80 का रेट तकरीबन जो है ना वो 65 के करीब है। इतनी कोई ह्यूज इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोसाइटी इसलिए बेहतर नहीं है कि इधर अभी कुछ टाइम है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर वो बंदा करना चाहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट OPF में बंदा कर सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये सोसाइटी इसलिए बेहतर नहीं है कि इस सोसाइटी में अभी डिवेलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, बाकी सेल परचेज हो रही है, अगर कोई भाई प्लाट बेचना या
परचेज करना चाहें तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये खुर्रम शहजाद भाई का मैं नंबर दे देता हूँ OPF सोसाइटी के हवाले से। अगर किसी किस्म की आपने इंफॉर्मेशन लेनी हो तो खुर्रम भाई को आप कॉल करके ले सकते हैं। तो बाकी हम आए थे गुलबर्ग वाली साइड से इसलिए आए हैं कि इधर अभी वर्क प्रोसेस हो रहा है, तो कोई रास्ते में को मशीनरी वगैरह लगी है और वहाँ से जापान रोड से इसका रास्ता फिलहाल बंद है। बाकी हम कोशिश करते हैं अभी जाके आपको फ्लैट एरियाज वगैरह भी इनका थोड़ा सा दिखा देते हैं, ताकि आपको वो फ्लैट एरिया अगर कोई बंदा अपार्टमेंट वगैरह या किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो भी ले सकता है। OPF हाउसिंग सोसाइटी में आप अगर आपका प्लाट है आप सेल करना चाहते हैं परचेज करना चाहते हैं, खुर्रम शहजाद भाई का नंबर 03657210009। तो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेनी हो आप ले सकते हैं। ये दो साइड से रास्ता OPF हाउसिंग सोसाइटी को है। एक OPF हाउसिंग सोसाइटी का रास्ता है गुलबर्ग रेजिडेंशिया से, और ये जी ब्लॉक है लेफ्ट साइड पे OPF हाउसिंग सोसाइटी का। तो एक गुलबर्ग ग्रीन से रास्ता है, एक इसका जापान रोड से रास्ता है। जापान रोड वाली साइड से इसलिए हम नहीं आए कि जापान रोड वाली साइड अभी को हैवी मशीनरी वगैरह लगी है, वो काम हो रहा है उधर। तो बाकी फ्रेंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हम कोशिश करते हैं ये थोड़ा सा रास्ता जो है ना वो फ्लैट एरिया जो है हमारा दिल था आपको फ्लैट एरिया दिखा देते, तो फ्लैट एरिया आपको दिखा के फिर उसके बाद इजाज़त लेंगे। ये सामने फ्लैट एरिया की तरफ जा रहा है, और ये रास्ता जो है ये इधर से हम आउट हो जाएंगे, इधर से हम इन हुए तो गुलबर्ग वाला ये रास्ता है, और ये फ्लैट एरिया को जा रहा है। हम इजाज़त चाहते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये भी हम OPF से गुलबर्ग की तरफ एंटर हो रहे हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड, इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह।